देहरादून से खबर है जहां कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर राजनीति गरमा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ ये यात्रा निकाल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को अनुचित बताते हुए इससे खास एक वर्ग की दौड़ बताया है। दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि ये यात्रा अपने आप में एक दिखावा है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस समय उनके निगम के चेयरमैन जूते पहनकर मंदिर के अंदर गए थे। इसी तरह आपदा के लिए आए पैसे में भी भ्रष्टाचार हुआ है। ये पहली बात तो ये है कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। कारण ये है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की और हालात ये रहे कि पोल ना खुल जाए इसलिए मीडिया को एक स्थान से आगे जाने नहीं दिया। और जिस समय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आकर के पूरे जो कार्य थे उनको अपने पर कराने के एक उन्होंने प्रस्ताव किया था, इन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अपनी जो जब पीड़ित थे उनके लिए सामग्री भेजी लेकिन कांग्रेस ने जो है राजनीति के चलते उसको बंटने नहीं दिया। तो सारे पाप कांग्रेस के खाते में है। और आज जब वो बात करती है कि वो चार धाम की पवित्रता की बात करती है तो अपने आप में एक बड़ा भारी मजाक है। और वर्तमान में भी जो उसके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं चाहे सोना चोरी के हों चाहे दूसरे हों सारे अनर्गल हैं और बेसिर पार के अपने आप में हैं। तो कांग्रेस का ये जो अंदरूनी खींचतान है और जो हालात हैं उससे ध्यान बटाने के लिए वो यात्रा शुरू करी लेकिन वो भी गुटबंदी में बिखर गई है। तो कांग्रेस लगातार बिखराव की ओर है और उत्तराखंड में भी और देश में भी कांग्रेस के हालात आने वाले दिनों में और खराब होने वाले हैं।